हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूनिक गार्डन गार्डन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख करके ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज का वीडियो हमारा होने वाला है कढ़ी पत्ता के ऊपर। यदि आपने भी अपने यहाँ कढ़ी पत्ता का प्लांट लगाया हुआ है, उसकी काफ़ी देख रेख आप कर चुके हैं, उसकी फर्टिलाइज़र भी आपने उसे दिया, लेकिन फिर भी आपका कढ़ी पत्ता में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है और उसमें न तो उसमें पत्तियां निकल रही हैं, आपका प्लांट में कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो आज का वीडियो इसी कढ़ी पत्ता के ऊपर होना है। इसी पत्ते से संबंधित आपकी सारी भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी और आप इसी के हिसाब से यदि डिटो अमल करेंगे तो आपका कढ़ी पत्ता भी इसी की तरह से घना होता चला जाएगा। तो चलिए देर न करते वे वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब भी आप नर्सरी से कढ़ी पत्ता का प्लांट ले आएँ तो उसकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप नर्सरी से प्लांट ले आते हैं तो उसमें एक ही शाखा होती है। आप जब उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो उसमें से दो दो तीन तीन शाखाएं निकलेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा पत्तियां भी आपको दिखाई देंगी और ढेर सारी ग्रीनरी भी बनी रहेगी और पत्तियां उसमें काफ़ी मात्रा में होंगी। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि आप जब भी कढ़ी पत्ता मीठी नीम के लिए जो मिट्टी का मिक्सचर तैयार करें वो बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। यदि उसमें पानी रुकेगा तो ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट की रूटों को डैमेज करेगा, सड़न होगी और धीरे धीरे करके आपका कढ़ी पत्ता का प्लांट मर जाएगा। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप अपने मीठी नीम के प्लांट की मिट्टी की अच्छे तरीके से 1.5 इंची तक की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपके प्लांट की रूटों को आपकी गुड़ाई डैमेज न करे। धीरे धीरे करके आपके प्लांट की सारी हार्ड मिट्टी को पलट दें और उसे ऐसे ही 3 से 4 घंटे के लिए धूप लगने के लिए छोड़ दें। उसके बाद अब बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की। तो जब आपकी गुड़ाई कंप्लीट हो जाए, 3 से 4 घंटा बीत जाए, तब आप इसमें जो है गोबर की सड़ी हुई काड 100 ग्राम और नीम की केक पाउडर जो होता है उसको आप ले लीजिए 50 ग्राम, हल्दी आधा चम्मच और चूने की 1 मटर के बराबर चूने की मात्रा लीजिए और बोन मील 1 चम्मच ले करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद तब आप धीरे धीरे करके आप मेन रूट से दूरी पर उसको धीरे धीरे करके उसमें डाल दीजिए और मिट्टी को बराबर कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें आप वाटरिंग कर दीजिए। जब भी आप खाद दें तो ध्यान रखें कि आपको वाटरिंग उसमें ज़रूर करनी है। अच्छी तरीके से जब वाटरिंग कर देंगे तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके कढ़ी के पत्ते में ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी। आपका कढ़ी पत्ता नीम प्लांट जो है वो बूशी होता चला जाएगा, उसमें ढेर सारी पत्तियां आपको हार्वेस्ट करने के लिए भी मिलेंगी और देखने में भी आपका प्लांट काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी भी आप तक तुरंत पहुंच सके।